हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोम के बारे में, विच इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसे लिखा है जॉन कीट्स ने। आई होप जॉन कीट्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो ये बहुत फेमस है, जो कि नेचर के ऊपर लिखते हैं। ओके, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन ये पोम समझाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको पहले हिंदी में समझाऊंगी, उसके बाद इंग्लिश की समरी दूंगी। तो शुरू करते हैं गाइस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अबव क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो ये क्या कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु, एक कोई ऐसी चीज़ जो कि अच्छी है, सुंदर है, वो फॉर एवर ब्यूटी होती है उसकी। यानी कि वो खुशी के लिए, प्लेजर के लिए, आनंद के लिए एक सोर्स होता है। इसकी उसकी जो सुंदरता होती है ना, वो बढ़ती ही जाती है, कभी फीकी नहीं पड़ती है, और वो कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होता। हमेशा उसकी जो ब्यूटी है वो इवेंचुअली, ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है गाइस? यहाँ पे बात नेचर की हो रही है। अब ये ब्यूटी क्या करती है? ये ब्यूटी हमें एक शांत माहौल देती है, एक शांत एनवायरनमेंट देती है, जिसके थ्रू हम एक बहुत अच्छे सपने देख सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं, और हम अपनी अर्थ से, मदर अर्थ से, पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। ओके, इसके बाद लिखा है देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग को मॉरो बोलते हैं, आर वी रेडिंग अ फ्लावरिंग बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हम क्या करते हैं, हर सुबह हम लोग एक ऐसा फ्लावर बैंड बुन रहे हैं, रेडिंग का मतलब बुन रहे हैं, जो कि हमें अर्थ से जोड़ के रखता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ द नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड द डोर डार्कनेस वेज। तो मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो ये क्या कह रहा है कि हम निराशा, द्वेष से हमेशा विक्टिमाइज रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। हमारे अंदर क्या होता है कि बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, जो कि हमारे वीकनेसेस हैं, ये सब जो है हमारे अंदर इनबिल्ट है ह्यूमन में। तो कुछ उदासी भरे दिन भी आते हैं हमारे टाइम पे। ये सभी चीज़ें जो होती हैं ना, हमारे लाइफ को बहुत ही सैड बना देती हैं, उदास बना देती हैं, और हम बहुत बुरे तरीके से इन आदतों को अपने अंदर इनबिल्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से हम दुखी रहते हैं। तो इन सभी कष्टों के बावजूद, इन सभी चीज़ों के बावजूद, कुछ सुंदर चीज़ें होती हैं जो हमारी अंतरात्मा को, हमारी सोल को उदासी से निकालती हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, सच द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स। डेफोडिल्स होता है गाइज, येलो कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं, उनके बारे में बताया गया। विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड अ क्लियर रिल्स, झरने होते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्य, चंद्रमा, पुराने तथा नए वृक्ष यानी कि पेड़, सभी जो है हमारी खुशी के सोर्स हैं। ये जो भेड़ होती है ना, उनके लिए छायादार कवर बनाती हैं, उनके लिए भी एक बून की तरह है, वरदान की तरह है। डैफोडिल्स जो होते हैं वो हरियाली के बीच, ग्रीनरी के बीच
खिलते हैं। और जो साफ पानी होता है ना, ये गर्मी के टाइम पे झाड़ियों वगैरह को और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ठंडा बनाने लेती हैं, उनको ठंडा बनाने के काम आती हैं। जंगल के बीच में झाड़ियाँ उगी होती हैं और सुंदर सुंदर फूल होते हैं, वो सब पूरे इन्वायरमेंट को बहुत सुंदर बनाती हैं। इनकी जो भव्यता है, इनकी जो सुंदरता है, वो तबाही के वैभव से कहीं ज़्यादा आगे है, जिसकी इमेजिनेशन हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं। उसके बाद गाइस लिखा हुआ है, एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द टूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो मैंने अभी बताया, जस्ट लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमॉर्टल रिंग पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। तो नेचर की ये जो सुंदरता होती है, उन सभी की सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो उससे भी ज़्यादा बेटर हैं, अधिक सुंदर हैं। प्रकृति के इस रूप का बहुत बड़ा बहता हुआ फव्वारा है, जो कि स्वर्ग से हमारे लिए अमरता यानी कि अमृत उड़ेल रहा है, बौछार कर रहा है अमृत का। हेवन स्प्रिंग क्या है यहाँ पे? इमोर्टल ड्रिंक है, अमृत है, तो ये हेवन से हमारे लिए बिखेर रहा है। तो ये क्या कर रहा है गाइस? हमारे लिए एक, हमें अपनी डेली लाइफ से निकालने के लिए ये नेचर है जिसमें हम खो जाते हैं, जिसमें हम जिसे हम कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं, जिसे देख के हमें बहुत शांति और बहुत पीस मिलता है, बहुत खुशी होती है। सो गाइस, इंग्लिश में आपके लिए मैं समरी बता देती हूँ एक बार, फॉर दोज हु स्टिल वॉन्ट इन समरी। सो गाइज, हेयर वी आर, वी कैन से दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट नेवर फेड्स, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, इट प्रोवाइड्स अस अ प्लेजेंट शेल्टर, अ क्वाइट बवर फॉर अस, इट गिव्स अस पीस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ अर्थ, वी सफर फ्रॉम द मेलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर्स, वी हैव सम सैड डेज ऑल्सो, ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी, वी ऑल्सो डेवलप अनहेल्दी एंड एविल वेज दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स सम ब्यूटिफुल थिंग्स रिमूव द कवर ऑफ सैड फीलिंग्स फ्रॉम आवर हार्ट्स, All the beautiful things of nature are a boon for humanity. The sun, the moon, and the old and young trees are the source of happiness. They provide a shady shelter, which is a boon for simple sheep. Daffodil flowers are blooming among the green surroundings. Small streams with transparent water making a cooling shelter of thickets to protect themselves from the hot season. Bushes are growing in the middle of the forest. They have been made more beautiful by grand by sprinkling of blooming musk roses. This magnificence and beauty surpasses grandeur of the tombs that we have imagined for our mighty dead forefathers. These beauties of nature are lovelier than all the lovely tales that we have heard or read. Nature is an endless fountain, it pours into our heart an immortal drink from the heaven spring. So this is it for today's video guys. Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, keep liking and keep spreading education. Thank you.